हेलो भाई, आपके अपने बजट में 2800 स्क्वायर फीट का कलेक्टेड एन ए प्लॉट आयो 2 BHK फ्लैट का प्राइस में आपको प्लॉट मिल रहा है। कनेक्टिविटी दिखा दूँ, करजत रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में, करजत रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अपना पनवेल करजत रेलवे स्टेशन 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस में। बस डेपो बेलापुर खारगर पनवेल जाना हो, रोहा जाना हो, किधर भी जाना हो तो यहाँ से बस मिल जाएगी। 1 किलोमीटर डिस्टेंस में बस डेपो है। डी मार्ट 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस में, डी मार्ट के बाजू में ही अपनी प्रॉपर्टी है। और मेन हाईवे से आपको, मेन हाईवे से प्रॉपर 100 मीटर के डिस्टेंस में, हाईवे से मैं अंदर गया, सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस में हमारी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है। 2 BHK फ्लैट लोग यहाँ पे 35-40 लाख में, उसी रेट में मैं आपको प्लॉट दे रहा हूँ। मात्र 2800 स्क्वायर फीट का प्लॉट कलेक्टेड एंड ए प्लॉट है, सिर्फ 36 लाख में। 36 लाख में आपको मैं कलेक्टेड एंड ए प्लॉट दे रहा हूँ भैया। 2800 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, मार्केट के पास है, स्कूल के पास है, CBSE स्कूल के पास है, यूनिवर्सिटी के पास है, डी मार्ट के पास है, बस स्टॉप के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है। इधर से आपको पनवेल जाना हो या आपको वासी जाना हो या आपको खारगर जाना हो, आप आधे आधे घंटे में आप इधर भी पहुंच जाओगे, क्यों? कनेक्टिविटी बेस्ट है, प्लॉट साइज भी बड़ा है, 2800 स्क्वायर फीट एन ए प्लॉट है। रेलवे स्टेशन के पास आप 1 BHK फ्लैट लेते हो तो 25-26 लाख में जाता है इसमें, और वेस्ट मार्केट में जाते हो तो 35 में जाता है 1 BHK। वही 2 BHK फ्लैट लेते हो मार्केट में तो 50 लाख में जाएगा, और वही आप ईस्ट में आते हो तो 35-36 लाख में जाएगा। तो उसी रेट में मैं आपको प्लॉट दे रहा हूँ, आपका खुद का प्लॉट हो गया 2800 स्क्वायर फीट का, जिसमें आप कमा भी सकते हो। अगर आपने 3 माले की बिल्डिंग बांध ली, 100 रुपये 3 दिन फ्लैट निकाली 1 BHK, तो आपको पर फ्लैट का ब्रेंड आएगा 5-6 हज़ार रुपया। आप 50-60 हज़ार रुपया आप आराम से कमा सकते हो इस प्लॉट पे बिल्डिंग बांध कर। अच्छा रेंटल इनकम सेकेंड होम के लिए बेस्ट है, रेंटल के लिए बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि आने वाला प्रॉब्लम पनवेल में तो पॉसिबल नहीं आज के टाइम पे। तो दोस्तों करजत में अभी टाइम है, मौका है, आज से 10 साल पहले पनवेल में पॉसिबल था, आज पॉसिबल नहीं है। उसी तरह करजत में आज पॉसिबल है, आने वाले 5-10 साल बाद इसमें भी पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि करजत और पनवेल की जो कनेक्टिविटी हो रही है, पर करजत से मुंबई की जो कनेक्टिविटी हो रही है वो आई थिंक बाद में नहीं मिल पाएगी, क्यों? इसी रेट में। ये दोस्तों अभी जो सीओडी सीलिंग बना जो पनवेल तक आता है सीओडी सीलिंग, तो पनवेल से करजत से 20 मिनट लगता है अगर बाइक से, तो आप 1 घंटे में करजत से मुंबई पहुँच सकते हो सीओडी सीलिंग से। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, वेस्ट टाइम वेस्ट मत करो।